कोरोना वायरस के टीके का कनेक्शन आपके मोबाइल से भी रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि कोविड 19 टीकाकरण अभियान में मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस महामारी का टीका जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। पीएम मोदी पिछले दिनों घोषणा कर चुके हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये टीका भारत में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। मोदी ने पांचवी पीढ़ी की मोबाइल सेवा या 5G मोबाइल नेटवर्क को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर देते हुए कहा, इससे मल्टी GPS पीक डेटा स्पीड उपलब्ध हो सकेगी। मोबाइल टेक्नोलॉजी को जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे पारदर्शिता और कोरोना महामारी के दौरान रोजमर्रा के काम करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा है कि कोविड 19 का टीकाकरण अभियान चलाने में भी इससे मदद मिलेगी, हालांकि उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया। मोदी के इस संकेत से इस बात को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है कि मोबाइल को कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण अभियान से किस तरह जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान को एक ऐप के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन रोल आउट के लिए एक खास ऐप तैयार किया है, इसे कोविन नाम दिया गया है। ये ऐप कोविड टीकाकरण अभियान में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसके जरिए सरकार को वैक्सीन के स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज जैसी अहम जानकारियां मिलेंगी। वहीं वैक्सीन पाने वालों को टीका कब मिलेगा, इसका स्केड्यूल भी ऐप से मिल पाएगा। कोविन ऐप के जरिए अधिकारी रियल टाइम बेसिस पर डेटा अपलोड और एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।